नंबर वन, पैसा वाकई में खुशी खरीद सकता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, फर्जी बोलते हैं कि अरे पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, झूठ बोल रहा है। कभी आपने किसी भी अमीर इंसान को एक गरीब इंसान से एक्सचेंज करते हुए देखा है? नहीं, राइट? लेकिन हर एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि पैसे से सहूलियत प्राप्त होती है, पैसे से बहुत सारी रोजमर्रा की कठिनाइयां ना हट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागना शुरू करें, लेकिन ये समझना कि पैसे से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी कंफर्ट नहीं मिलेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा, एक झूठ है। पैसे से वो हर एक चीज मिल सकती है जो आपकी जिंदगी में आपके लिए जरूरी है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है, लेकिन पैसे से भागना भी नहीं है, क्योंकि उससे खुशी मिल सकती है। शॉकिंग फैक्ट नंबर वन। नंबर दो, अक्सर ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है चीजें किराए पे लेना एज अगेंस्ट चीजें खरीदना। अगर आप कभी भी एक्सेल एक्सेल खेल के मैथ करेंगे ना, तो आपको यकीनन पता चल जाएगा कि चीजें किराए पे लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। एंड ये पैसे की एक फितरत है। क्यों? क्योंकि हम पैसे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट अक्सर भूल जाते हैं, और उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्ज करिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं, और घर खरीदने के लिए आपको एक डाउन पेमेंट करनी है। फर्ज करिए 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, तो 20-25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी होगी। फिर 75 लाख का एक लोन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा घर का, उसके लिए लोन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा 30-35 लाख रुपए आपकी डाउन पेमेंट जाएगी, वो आप एक साथ जोड़कर देंगे। लेकिन अगर आप घर किराए पे लेते हैं, तो वही 1 करोड़ का घर आपको ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार रुपए में पर महीना मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर वो 30-35 लाख रुपए अभी भी हैं, तो वो 30-35 हजार रुपए महीना देके आप इसी 30-35 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट अगर आप सही मायने में करेंगे, तो उससे आप एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जब आप ये नहीं करते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। मैंने अपने घर के अलावा ऑलमोस्ट हर एक चीज किराए पे ले ली है। हमारी गाड़ी किराए पे है ज्यादा से ज्यादा। मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो जब भी हम एक वाइल्ड लाइफ ट्रैवल पे कर जाते हैं, तो कैमरा की जो लेंस होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं, तो वो लेंस हम किराए पे लेते हैं। बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि मैं उस लेंस को कितना ज्यादा से ज्यादा साल में 5 दिन यूज कर लूंगा, 6 दिन यूज कर लूंगा, उसके लिए मैं 4 लाख का लेंस क्यों लूं? लेकिन अगर मैं वही 4 लाख का लेंस किराए पे लेता हूं, तो मैं उन 4-5 दिनों के लिए मैक्सिमम 10 या 15 हजार रुपए किराए देता हूं, तो मैं जिंदगी भर रह सकता हूं। मुझे याद है, अभी भी पहले मुझे घर खरीदने के बहुत शौक थे, और इतने खरीदे हैं और इतना पैसा उसमें जलाया है। अब जब हम कभी भी वेकेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, एक परिवार बन चुका है 4 लोगों का, तो हम होटल्स में नहीं रहते, हम एयरबीएनबी में रहते हैं। एंड एयरबीएनबी इज सो ब्रिलियंट, राइट? क्योंकि आप सबसे बेस्ट घरों में रह सकते हैं, चाहे आप गोवा जा रहे हो, इंटरनेशनल कहीं भी जा रहे हो। अभी हम दुबई गए थे, तो वहां हम एक बहुत ही बढ़िया 23rd फ्लोर पे ओवरलुकिंग द दुबई मरीना में रहे, और वो घर जो है वो 4 करोड़ रुपए का है। वो 4 करोड़ के घर में अगर हम चाहें भी, तो महीने में 10-15 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन जब हम रहेंगे, तो हम उसके अच्छे से पैसे देने के लिए तैयार हैं। एंड वो किराए पे लेना इज फार मोर एफिशिएंट यूज ऑफ योर मनी देन बाइंग दैट एंटायर प्रॉपर्टी। तो प्लीज कभी भी कोई मोटी चीज खरीदने से पहले मैथ करिए कि क्या उसको किराए पे लेना ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा, या उसको खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इमोशंस थोड़े से साइड पे रखकर ये मैथ पहले करिए, क्योंकि इमोशन तो वापस आ ही जाएंगे। नंबर 3, हम अपने पैसे के साथ बहुत सावधानी से तब पेश आते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है कि इस पैसे को वापस कैसे कमाया जा सकता है। जिस इंसान को ये पता है ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो अपने पैसे को कभी भी रिस्क अवर्स तौर पे नहीं देखता। वो हमेशा उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है, वो सही इन्वेस्टमेंट्स करता है, रिस्क लेता है, उस रिस्क के सारे प्रोफाइल को अच्छे से समझता है। वो जानता है उसका पैसा कहाँ डूब सकता है, कहाँ बढ़ सकता है, और इस रिस्क प्रोफाइल के थ्रू वो अपने पैसे को डिप्लॉय करता है। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता ना कि ये पैसा फिर से कैसे कमाया जा सकता है, जिस इंसान को ये नहीं पता कि ये पैसा कैसे आया और इसकी वजह से कैसे जा सकता है और वापस कभी नहीं आएगा, वो इंसान हमेशा उस पैसे को अपने छाती से लगा के रखेगा, उस पैसे का कभी भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज सच अ शॉकिंग सैडनिंग एस्पेक्ट अबाउट मनी, जो मैं विश करता हूं आपके साथ। नंबर 4,
मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत बात करता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट यूज ऑफ मनी फॉर एन इन्वेस्टमेंट इज इन योरसेल्फ। आप अपनी पढ़ाई में, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर यूडमी है, जो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कोर्सेज, चाहे मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना हो, यूट्यूब कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है वो सीखना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी हो, यूएक्स यूआई सीखना हो। मैंने कभी कोडिंग सीखी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी सीखनी भी हो तो मैं यूडमी से ही सीखूंगा, क्योंकि सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स, सबसे बेस्ट दाम, ग्रेट आउटले ऑफ ऑल पॉसिबल कोर्सेज दैट यू वुड वॉन्ट, एंड वॉट मोर, आपके पास एक 30-day रिफंड पॉलिसी है। आप उसको कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं, फुल्ली ऑन डिमांड है, एंड आई फील दैट इट इज सच अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इन योरसेल्फ। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हम 500 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं बोलता हूँ यार, 500 रुपए से ना आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, अनलेस आप वो 500 रुपए हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विल बी कि आप जाके एक कोर्स खरीदिए, अपने खुद में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज दैट इज सच अ ग्रेट वे फॉर यू टू ग्रो। और इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्ट इन ईटिंग राइट, इन्वेस्ट इन बाइंग गुड ट्रेनिंग फॉर योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन गुड टीचर्स फॉर योरसेल्फ, जैसे यूडमी पे है, इन्वेस्ट इन गुड ट्यूटर्स, इन्वेस्ट इन गुड लर्निंग, इन्वेस्ट इन गुड बुक्स। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स पैसे के थ्रू ही पॉसिबल है, एंड इफ यू मेक दैट इन्वेस्टमेंट, इट इज बाय फार a far better investment than any investment that you make in mutual funds या stocks या crypto या कहीं भी। उसी के चलते एक बहुत famous English phrase है, penny wise and pound foolish। इसका मतलब कि चिल्लड़ों के लिए तो बहुत सोच है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा पैसा बड़ा हो जाता है तो सोच गायब हो जाती है, अकल गायब हो जाती है। How we spend so much money random खाना खाने पे, रैंडम पार्टी करने पे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अच्छी कुर्सी खरीदनी हो उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, भागने के लिए अच्छे जूते खरीदने हो उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, सोने के लिए एक अच्छा मैट्रेस खरीदना हो उसके लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे, खाने के लिए अच्छा खाना खरीदना हो, ऑर्गेनिक खरीदना हो, सब्जियां अच्छे से खरीदनी हो, फ्रूट्स खाने हो, उसमें नहीं करेंगे। एंड दैट इज सच अ वेस्ट ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट मनी। तो पैसे का यूज इज For your well-being. अगर आप उस पैसे से खुश नहीं है तो उस पैसे का फायदा ही क्या? And that is why invest in yourself, which is the best investment to make. Number 5, आप जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करेंगे ना, वो शख्स आपके पैसे के decisions को बहुत ज्यादा influence करेगा। This is not something जो हम ज्यादातर बात करते हैं या बोलते हैं, लेकिन ये सच है। आपके पैसे के डिसीजंस में आपके पति पत्नी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट, बट क्योंकि आप उनके साथ ढल चुके हैं। तो आप कितना रिस्क लेंगे अपने पैसे के साथ विल ऑल्सो डिपेंड ऑन वो पैसे के साथ कितना रिस्क ले सकते हैं। आप उस पैसे को कहाँ स्पेंड करेंगे, कैसे स्पेंड करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे, कब स्पेंड करेंगे, अ लॉट ऑफ दैट इज गोइंग टू गेट डिटर्मिंड बाय हाउ योर पार्टनर थिंक्स अबाउट मनी। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आपका पार्टनर 3 चीजों को इंपैक्ट करता है, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, आपके फिजिकल डिसीजंस एंड आपके इमोशनल डिसीजंस। एंड ये 3 डिसीजंस अगर आपके लिए जरूरी हैं, जो कि हर एक शख्स के लिए जरूरी होंगे, देन यू हैव टू स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग द राइट पार्टनर। ये एक छोटा डिसीजन नहीं है, ये एक मामूली डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एंड वंस यू टेक दैट राइट, जिंदगी बदल सकती है। मेरी बदली है, इसलिए आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग यू कि अगर एक ऐसा शख्स आपको अपनी जिंदगी बिताने के लिए मिल गया जो कि पैसे के बारे में वैसे ही सोचता है जैसे आप सोचते हैं, देन यू आर गोइंग टू हैव सच अ इजी, बेटर, हैप्पियर लाइफ। शॉकिंग फैक्ट नंबर 6, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि अमीर होना चाहता है लेकिन धीरे से, and that is a tragedy. इसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, एंड वो भी दुनिया में से सबसे अमीर इंसानों में से माने जाते हैं। तो वो दोनों एक दिन स्टेज पे बात कर रहे थे और बिल गेट्स वॉरेन बफेट से पूछते हैं कि वॉरेन, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि वॉरेन
आपके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो है वो इतनी सरल है, इतनी सिंपल है कि अच्छे कंपनी के स्टॉक्स खरीदिए और भूल जाइए, लंबे ड्यूरेशन तक उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर उनमें वैल्यू है तो वो वैल्यू धीरे धीरे कंपाउंड करके आपके लिए बेइंतहा पैसा जनरेट करेगी। इतना सिंपल है ना वॉरेन, कि इस इन्वेस्टमेंट थीसिस के चलते इतने सारे लोग अमीर क्यों नहीं हुए। एंड वॉरेन बफेट हंसते हुए बोलते हैं, इट इज बिकॉज बिल नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली, कोई भी धीरे से आराम से अमीर नहीं बनना चाहता, हर एक इंसान को चुल पड़ी है कि रातों रात अमीर बन जाए। एंड दैट इज व्हेन वी एंड अप मेकिंग द मोस्ट मिस्टेक्स। अगर आप अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट फेलियर को देखेंगे जहां आपने पैसे गंवाए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रीड, इट इज बिकॉज यू थॉट कि पैसा जल्दी से बढ़ सकता है। बट द ब्यूटी ऑफ मेकिंग मनी ग्रो स्लोली इज कि आप उस जर्नी में अपने आप को मारते नहीं है, आप इंजॉय करते रहते हैं अपनी जिंदगी, एंड अल्टीमेटली जब वो पैसा बनता है यू नो व्हाट टू डू विद इट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बजटिंग इज सच अ ग्रेट वे टू थिंक अबाउट लाइफ। मैंने 50-30-20 पे एक वीडियो बनाया है जो ये बोलता है कि जो भी आपकी महीने की आमदनी होगी उसका 50% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे। आपका ईएमआई हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, बिजली पानी जो भी फीस वगैरह जो भी देना है आपको, 30% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। नहीं, आपको फोन खरीदना है, आपको वेकेशन पे जाना है, पार्टी करना है, कपड़े खरीदने हैं, प्लीज करिए, लेकिन उस 30% के अंदर। एंड देन 20% इज टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, आपकी फ्यूचर की तरफ, जो आपको बड़ी चीजें आगे जाके करनी है, घर खरीदना है, बच्चों की शादी करवानी है, खुद की रिटायरमेंट है, व्हाटएवर द केस में भी। एंड इस बजट के चलते यू विल ब्यूटिफुली बी एबल टू लिव लाइफ। आप अपनी जिंदगी आज जी पाएंगे, अपने कल के लिए प्लान कर पाएंगे, एंड यू विल डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। अगर आप ऐसा करेंगे ना, यू विल गेट रिच स्लोली बट ब्यूटिफुली। एंड दैट इज द शॉकिंग फैक्ट कि कोई भी ना ये नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्साइटिंग नहीं, सेक्सी नहीं, रातों रात अमीर बना दो, डोंट डू दैट। शॉकिंग फैक्ट नंबर 7, पैसे का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, आपको फ्री करना है, आजाद करना है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है। अगर आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन शायद आप आजाद नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो आमदनी आनी बंद होगी, जिस दिन वो सैलरी आनी बंद होगी, आप कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए सैलरी को एक ड्रग कहा जाता है, कि सबसे बड़ा दुनिया का ड्रग है एक मंथली सैलरी, क्योंकि जब तक वो आती रहती है तब तक उसकी लत लगी रहती है, और जिस दिन वो चली जाए ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि आप जी ही नहीं पाते। बट पैसे का सही उपयोग इज टू सेट यू फ्री। आप अपने वक्त के साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। एंड व्हाट डज दैट मीन, इट मींस कि आपने इस ढंग से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं कि हर महीने वो इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न जनरेट करती है, उस रिटर्न में अपने महीने का खर्चा निकल जाता है। When that happens, you are truly free. इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटायर कर जाएंगे, कभी काम नहीं करेंगे। Maybe you want to do that, maybe you don't want to do that. जैसे मैं जिंदगी भर काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अब इतना पैसा है कि मुझे अब पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है, खुशी के लिए काम करना है, आप लोगों के लिए काम करना है। And that is why I get up and I do what I do. And usse wo paise bane ja rahe hain. Lekin it is not something that I work towards. I work towards a very different approach. And that is what you would want from your money as well. Number 8. Paise se aap ameer to ban sakte hain. Lekin ameer banne ka matlab ye nahi hai ki aap wealthy hain. That is a very different thing. Jaise main again bataya, aapki mahine ki salary aapko ameer kar sakti hai. लेकिन वेल्थ तभी होगा जब आपकी वो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए इतना रिटर्न जनरेट कर रहा है कि आप हर महीने का खर्चा उससे निकाल सकते हैं। आप इस महीने की आमदनी पे निर्भर नहीं है। यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ लव ऑफ इट, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, यू आर डूइंग इट बाय विल, बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन। एंड दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ बीइंग वेल्थी। शॉकिंग फैक्ट नंबर 9, वन ऑफ माई फेवरेट, पैसा ना आपको चेंज नहीं करता है, जो आप वाकई में है वो
दिखाता है। पैसा आपको चेंज नहीं करता है, जो आप वाकई में है ना उसको उभारता है। तो अगर आप कंजूस हैं तो ज्यादा पैसा आपकी कंजूसियत दुनिया को दिखाएगा, आपको खुद को दिखाएगा। अगर आप दिलदार हैं, बड़े दिल के हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ज्यादा पैसे से आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, वो जो आप असली में है वो उभर के आएगा। एंड दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मनी, बट ऑल्सो द शॉकिंग थिंग अबाउट मनी। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार पैसे ने तुझे बदल दिया है। ना, वो वैसे ही इंसान था, उस पैसे के चलते उसकी असलियत बाहर आ गई है। एंड दैट इज वॉट मनी डज। सो डोंट एवर थिंक कि अगर कोई इंसान आपको पैसे की वजह से बदला हुआ दिख रहा है तो वो बदल गया है। ना, वो वैसा ही था, उसकी फितरत वही थी, पैसे ने सिर्फ उस फितरत को आपके सामने ला दिया। एंड दैट इज वाई इफ यू आर अ गुड पर्सन, आई ऑफन से दैट मनी इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल इज अ ब्यूटिफुल थिंग। नंबर 10, सबसे सैडनिंग फैक्ट लेकिन सच फैक्ट, हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह पता है कि आपको जिंदगी में कितने पैसे की जरूरत है। अगर मैं आपसे ही पूछूं आपको जिंदगी में कितने पैसे चाहिए, आपके पास उसका आंसर नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे 10-20 लाख रुपए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने पैसे में ही पूरी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन उनको जिंदगी का कोई आइडिया नहीं है। फिर बाकी लोग होंगे जो बोलेंगे 300-400 करोड़ रुपए, इतना पैसा कि सोचना ही ना पड़े। लेकिन दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास एक एक्यूरेट नंबर नहीं है ना कि आप कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप हमेशा भागते रहेंगे। इट्स लाइक रनिंग अ रेस जिसमें फिनिश लाइन डिसाइड ही नहीं करी गई है, तो आप किस वक्त पे भागना रोकेंगे? कभी नहीं। एंड दैट इज द ट्रेजेडी दैट मोस्ट पीपल गो थ्रू, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो किस मकसद की तरफ काम कर रहे हैं, वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि हर एक इंसान की दो जिंदगियां हैं, एक जिंदगी जो आप इस अमाउंट को पाने के लिए खर्च करते हैं, दूसरी उसके बाद। क्योंकि जिस पॉइंट पे ये पूरा अमाउंट आपके पास आ गया, आपको पता है कि अब आप पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के लिए नहीं जीना है। एंड नाउ यू कैन लिव लाइफ द वे यू वॉन्ट टू। नंबर 1 तो मैंडेटरी है, हर एक इंसान को ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। नंबर 2 ऑप्शनल है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस नंबर 2 वाली जिंदगी को जी पाते हैं। नंबर 2 इज नॉट लाइक ब्लैक मनी, मतलब इस दूसरी जिंदगी को जी पाते हैं। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, जैसे कि मेरे लिए नंबर है 21.7 करोड़। जिस दिन मेरे पास 21.70 करोड़ रुपए आ गए, मुझे ये पता है कि जिंदगी की मेरी हर एक खुशी, अरमान, जरूरत, इच्छा पूरी हो सकती है। एंड दैट इज द नंबर दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स। बट आई ऑल्सो नो कि जिस पॉइंट पे ये पैसा आ गया, आई डोंट हैव टू एवर वर्क फॉर मनी, एंड दैट विल बी फ्रीडम, गोइंग बैक टू एन अर्लियर फैक्ट। तो ये थे 10 शॉकिंग फैक्ट अबाउट मनी, अबाउट पैसा। इसमें से आपको सबसे शॉकिंग, सबसे हार्ट हिटिंग कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा। और अगर कोई और फैक्ट है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज शेयर करिएगा। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।